नमस्कार दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। विनोद कुमार बल्लावी जी का सवाल है, स्टूडियो मास्टर डीजे आरसो कैसा है और लोड कैसे दे। तो बहुत अच्छा सवाल है, तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि चलिए हम लोग आज डीजे 800 के बारे में जानेंगे। स्टूडियो मास्टर की बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, इसकी प्राइस रेंज भी देखेंगे, इसमें कितना लोड आप दे सकते हैं, कैसा स्पीकर डाल सकते हैं, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो पर दिखाएंगे। इससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो पहले कर दो, उसके बाद आगे चल के इस वीडियो को देख लो यहाँ पे पज करके। उसका जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो है, कम से कम 500 वीडियो मेरा है डीजे के ऊपर, तो आप वो सब देख सकते हैं चैनल में जाके के एक एक करके और एक एक लाइक कम से कम ठोक दीजिए। तो चलिए चलते देखते हैं डीजे 800 के बारे में। देखिए डीजे 800 बहुत सा क्यूट सा पावर एम्पलीफायर है, स्टेरियो पावर एम्पलीफायर। देखिए ये स्टूडियो मास्टर की ओर से, जैसे कि स्टूडियो मास्टर के एम्पलीफायर डीजे सीरीज़ बहुत ही अच्छा रहता है, सबको पता है डीजे है 4000 बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और डीजे सीरीज़ की जो सबसे छोटा है वो है डीजे 800, तो आप देख सकते हैं वही आपको प्रोटेक्ट वन, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्रोटेक्ट ए मतलब चैनल ए का प्रोटेक्ट ऑन हो जाता है, प्रोटेक्ट बी ऑन ऑन हो जाता है, पावर ऑन करेंगे तो पावर आ जाएगा। और ये चैनल ए का गेन बटन है, यहाँ पे गेन है ये। उसके बाद अगर कहीं पे अगर ज़्यादा आपने इनपुट डाल दिया तो क्लिप आ जाएगी, और सिग्नल अगर आप यहाँ पे इसका इनपुट आपको मिल गया मिक्सर से हो तो ये आ जाता है। अब बैस बूस्ट ऑन जब मोड जब आप पीछे से ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ये बत्ती जलता है। और ये चैनल बी का आपको गेन कंट्रोल हेड, और देखने में बहुत अच्छा सिल्क डिज़ाइन है और बहुत अच्छा है। और इसकी बैक पैनल हम देखते हैं, और देखिए बैक पैनल बहुत ही अच्छा है, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे अगर आप सब वूफर लगाते हैं तो सब वूफर लिखिए, लो कट अगर बेस कट करना चाहते हैं तो बेस को कट करने के लिए आप इसको यहाँ पे रखिए, अगर आपको स्टेरियो मोड पे चलाना है तो इसको ऑफ रखिए, सब ऑफ रखना है। ये इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो पे रखा है। और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं, इसमें आप इनबिल्ट बोल सकते हैं, क्रॉसओवर है। अगर आप यहाँ पे ऑफ रखते हैं तो ईक्यू प्रोसेसिंग इसको ऑन करना है आपको, तो आपको और थोड़ा अच्छा पंच मिलेगा। स्टेरियो मोड पे आपको ये सेटिंग दे दी गई है, आप देख सकते हैं, और आप ब्रिज मोड पे भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपकी इनपुट है, XLR इनपुट्स है, और उसके बाद भी यहाँ पे 6.3 mm की जैक है, और फैन यहाँ पे बहुत अच्छा दी गई है। और आउटपुट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर कनेक्टर है, और प्लस यहाँ पे भी आप आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पे जो लोग स्पीकर कैसे कनेक्ट करना है चैनल ए के लिए वो लिखा गया है, ब्रिज के लिए के प्लस में क्या लेना है और माइनस में क्या लिखना है वो क्लियरली लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे बाइंडिंग पोल भी दी गई है, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ब्रिज के लिए आपको ये दोनों यूज करना है, ये प्लस ब्रिज के लिए ये प्लस है और ये माइनस है, याद रखिए अच्छे से उसको करना है। और बाकी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छा एम्पलीफायर है ये, आपको वही सेम चीज़ मिलता है सारे डीजे सीरीज़ पे, तो बहुत अच्छा है ये। और ये आप देख सकते हैं लो वोल्टेज 150 वोल्ट में भी ये चल सकता है, और कूलिंग फाइल बहुत बच्ची अच्छी लगे हैं, टेम्परेचर डी सर सके सर सबका प्रोटेक्शन दिया है। अभी चलते हैं इसकी 4 ओम पे ये कितना लेगा। 4 ओम पे 250 × 2, यानी आप चैनल ए पे 250 वाट, चैनल बी पे 250 वाट चला सकते हैं। और 8 ओम पे 165 वाट, एक चैनल ए पे, चैनल बी पे आप 165 वाट चला सकते हैं। उसके बाद आप ब्रिज मोड पे 8 ओम पे चला सकते हैं 525 वाट, यानी मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आपको 15 इंच की सब वूफर के लिए ये अच्छा, लो फ्रिक्वेंसी ड्राइव के लिए ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप टॉप चला रहे हैं 4 ओम पे, तो यहाँ पे 300 वाट की एक दो टॉप आप चला सकते हैं, चैनल ए पे 300 वाट, चैनल बी पे 300 वाट की टॉप चला सकते हैं। वैसे ही आप अगर 8 ओम का चला रहे हैं, तो यहाँ पे आप 8 ओम के लिए अगर चला रहे हैं तो आप चला सकते हैं 200 वाट चैनल ए पे, चैनल बी पे 200 वाट, 165 है, लेकिन ये 200 वाट की टॉप यहाँ पे आराम से चल पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से चला सकते हैं। अगर यहाँ पे 400 वाट भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं टॉप के लिए, तो ये चल जाएगा, डीजे सीरीज है तो आराम से चल जाएगा, अच्छी खासी पंच भी देगा। बैस बूस्ट मोड अगर आप ऑन करते हैं तो देखिए कुछ टॉप के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 ओम पे 525 वाट, यानी आप यहाँ पे 8 ओम का अगर कोई 600-700 वाट का भी होगा तो भी यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छा है। एक तरह से देखा जाए तो छोटा सा है, 12 kg का है, और इसकी प्राइस अगर मैं बताऊँगा, ये प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, इसका लिंक भी मैं नीचे दिया हूँ, ये आपको 15,000 में मिल जाएगा, 15-16,000 में। और अभी डिस्काउंट भी अमेजन पे चल रहा है, तो वहाँ पे अगर आप वहाँ से लेके जाएंगे तो 15,000 के अंदर आपको ये मिल जाएगी। तो वो अब इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं या देख भी सकते हैं उसके बारे में कितना पैसा है। तो बहुत सारे फैसिलिटी है, और इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।